लोकसभा चुनाव के लिए 13 मार्च को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दिल्ली की बची हुई दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा सांसद हंसराज हंस का टिकट काट दिया है। सांसद गौतम गंभीर पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। बीजेपी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेश चंदोलिया को टिकट दिया है, वहीं पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों उम्मीदवार पहले दिल्ली एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश के दिल्ली के प्रत्येक वर्ग के लिए इतना काम किया है, इतनी उनकी चिंता की है, तो मुझे लगता है जनता के पास जब हम जाएंगे और हम उनको मोदी जी के कार्यों के बारे में बात करेंगे तो जनता हमें हर हालत में हाथों हाथ लेगी। ये जो झूठा गठबंधन दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया, वो आपस में ही अभी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, तो उस गठबंधन का कोई लाभ उनको नहीं होने वाला है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 10 साल से दिल्ली उन्हीं के पास थी, क्या उन्होंने 500 नए स्कूल खोले? क्या उन्होंने 20 नए अस्पताल खोले हैं? उनके जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका क्या हाल है? जो दिल्ली की सड़कों का हाल देखें तो उस पर उनका जवाब उनको पहले जनता के बीच में देना पड़ेगा। दिल्ली ने 10 वर्ष से दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली की सरकार दी, उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने दिल्ली फतह के लिए जिन अन्य 4 सांसदों का टिकट पहले ही काट दिया है, उनमें हैं हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, रमेश विधूड़ी और मीनाक्षी लेखी। हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से, प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से रमेश विधूड़ी की जगह रामवीर सिंह विधूड़ी और नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह दिल्ली के 7 सीटों में से बीजेपी ने केवल 1 सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को रिपीट किया है, बाकी 6 सांसदों का टिकट काटा गया है। बांसुरी स्वराज जैसे नए चेहरे को उतारकर बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करने और जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नए चेहरों में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग और स्थानीयता का पूरा ध्यान रखा है। पिछली बार की गलती को नहीं दोहराते हुए बीजेपी ने हंसराज हंस और गौतम गंभीर जैसे सांसदों को फिर से नहीं उतारा है, क्योंकि उन पर बाहरी होने के टैग लगे थे और दूसरा सेलिब्रिटी होने की वजह से उन पर जनता से दूर होने के आरोप भी लग रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी नेतृत्व को इस बात का पूरा फीडबैक मिल चुका था कि इन सांसदों के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी है और यदि इन्हें फिर से चुनाव में उतारा गया तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं जिन अन्य सांसदों के टिकट काटे गए हैं उनके खिलाफ भी यह बात गई कि वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मुद्दों को ठीक से जनता के बीच नहीं ले जा सके। वहीं बीजेपी के ये सांसद सड़कों पर आंदोलन करने से भी बचते नजर आए। इस तरह बड़े चेहरों का टिकट काटकर बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं नए चेहरे को उतारकर भी पार्टी ने यह मैसेज दिया है कि मेहनत से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का भी पूरा मौका मिल सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।